यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से करने वाले हैं GTA 5। और गाइस अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा तो आप सभी को पता होगा कि लास्ट टाइम ना बिग माफिया को भाई को बचाने के लिए ना अदर कंट्री से काफी सारे सोल्जर्स आते हैं और गाइस वो ना साथ बिग माफिया के भाई के साथ काम कर देते हैं। तो वो लोग ना यार बिग माफिया के भाई को कोर्ट से रेस्क्यू कराने के लिए ना पूरा प्लानिंग वगैरह बना लिया था। लेकिन गाइस पता नहीं कैसे लेस्टर को ना इस बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जिसके बाद ना ब्लडी कैरन के कहने पर हम लोग ना सीधा उन पर अटैक कर देते हैं। और भाई वहाँ पे ना माइकल ट्रेवर और फ्रैंकलिन ना भाई क्या ही उनका बैंड बजाते हैं। और भाई वो ना सोल्जर यार काफी खतरनाक थे। और भाई उनके पास ना यार बिग माफिया के सिक्योरिटी गार्ड जैसा बहुत ही खतरनाक सा आर्मर था। तो गाइस उन्हें ना हम लोगों ने बहुत ही गंदे तरीके से तो मारा ही था, मुंह तो तोड़ा ही था, साथ यार उनके साथ जो गैंग का लीडर थे ना उसे हम लोगों ने पकड़ लिया था। और भाई वो वही बंदा है जो कि यार एक पार्टी में ना बिग माफिया के भाई के साथ बैठा हुआ था। और यार वो साथ से ना डगन बॉस का भाई है। खैर यार जो भी हो उसे हम लोगों ने किडनैप कर लिया। और भाई सीधा ना भी लेस्टर उसे टॉर्चर कर रहा है, उसके बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है कि वो बंदा कहाँ रहता है और भाई वो किसके लिए काम कर रहा था। खैर यार ये जो भी हो वो ना जो भी कोई बंदा है उसके बारे में तो लेस्टर पता कर लेगा। फिलहाल यार लेस्टर का कॉल आया था मुझे, तो मुझे ना फटाफट से जाना पड़ेगा। और पता नहीं मैं क्या क्या पहन के घूम रहा था, तो मैं ना यहाँ पे ये वाला ड्रेस पहन लेता हूँ क्योंकि ये काफी सही लग रहा है। ओके तो गाइस अभी हम लोग फटाफट से ना चल लेते हैं लेस्टर से मिलने के लिए। यार लेस्टर ने मुझे सुबह सुबह कॉल कर दिया था। और यार साथ ना लेस्टर को ना उस बंदी के बारे में पता चल चुका है। और भाई वो लोग ना जो इतने भी सोल्जर्स थे ना वो किस कंट्री से आए थे वो भी पता चल चुका होगा। तो चलो गाइस अभी ना हम लोग फटाफट से जाकर के लेस्टर से एक बार मिल लेते हैं। बाकी यार आपको पता होगा ये वही कार है, ये वही बुगाटी है जो कि हम लोगों ने कार्गो प्लेन से बीच रास्ते में से गायब किया था। और भाई ये ना काफी तगड़ी लग रही है। और फिलहाल तेरे से ना बैनी मॉडिफाई करके ना और भी ज्यादा ओपी बना दिया है। और भाई ना ड्राइविंग करने भाई अलग ही मजा आता है। तो चलो यार मैं ना इसे भगाते भगाते सीधा चले जाता हूँ लेस्टर के सीक्रेट बेस पर। तो यार अभी देख पा रहे हो क्या ही लग रही है भाई। तो चलो गाइस यार अभी ना मैं भगाते भगाते काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ। और भाई यहाँ पे ना एक अपना रेस्टोरेंट जो कि हम लोगों ने खरीदा था, तो यहाँ से ना आगे वाले कट से मुझे राइट लेना था। यार मैं आगे बढ़ गया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ना बैक करते हैं और यहाँ से बस मुझे सीधा जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार अभी ना यहाँ पे एक गली है तो यहाँ से हम लोग राइट लेते हैं। चलो यार अभी हम लोग आ चुके हैं, तो चलो यार फटाफट से ना आकर बात करते। और भाई ये क्या हुआ भाई, अभी ना देख रहे हो कितना खतरनाक टक्कर हुआ। और यहाँ पे ना दीवार तो भाई मतलब देख रहे हो कैसा यार टूट गया जैसा हो गया, लेकिन अपने कार को ना ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा स्क्रैच आया। चलो कोई ना भाई, बार बार यार बैनी से मॉडिफाई कराते रहते हो भाई, तोड़ता रहता हूँ, लेकिन भाई क्या ही कर सकते हैं। तो चलो भाई अभी ना लेस्टर बोला था ना ऊपर के साइड है, और भाई उसके साथ ना वो माफिया भी है जो कि हम लोगों ने जांच में से उसे अरेस्ट करके सीधा यहाँ पर लाए थे। तो चलो यार फटाफट चलो लोग ऊपर की तरफ चल लेते हैं। और भाई साहब देख रहे हो कितना लंबी सीढ़ी है, और भाई यहाँ से ना ऊपर जाने भाई काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो चलो यार फटाफट चल लेते हैं भाई, कितना टाइम लगेगा। ओके गाइस यार अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ और भाई यहाँ से ना बस मुझे सीधे जाना पड़ेगा। और भाई यार मुझे ना एक बात समझ में नहीं आता कि भाई साहब लेस्टर कैसे वहां तक जाता, यार यही मुझे समझ नहीं आता। खैर यार चढ़ लेता होगा भाई, क्या दिक्कत है। चलो यार यहाँ से हम लोग फटाफट से ना ऊपर चलते हैं। और साथ से ना भाई ट्रेवर का भी आवाज आ रहा है, तो हो सकता है ट्रेवर भाई साहब भी यही पर हो। ओके तो यहाँ पे ट्रेवर देख रहे हो कहाँ पे चढ़ा हुआ है, और भाई साहब कैमरा पकड़ करके फोटो शूट कर रहा है। भाई क्या ही इसका नशा है यार, क्या नशा करके आया भाई। देख रहे हो कैसा जगह पर है, अगर भाई गिर गया ना तो बंदा क्या पैर हाथ सब टूट जाएगा। चलो कोई ना, भी आप देख पा रहे हो ये वो बंदा है जिसे हम लोगों ने अरेस्ट करके लाए थे जांच में से। भाई देख रहे हो अभी इससे लेस्टर ना काफी खतरनाक तरीके से लगता है कूटा है। तो फिलहाल लोग बात कर लेते हैं। तो गाइस यार अभी मैंने लेस्टर से बात कर लिया। भाई लेस्टर बोल रहे ना कि ये बंदा कुछ भी मुंह खोल नहीं रहा था, इसलिए इसने इसे ऊपर लेकर आया भाई, यहाँ से ना सीधा नीचे फेंकने का धमकी दिया। और भाई साहब यहाँ पे ना इसके मुंह से कुछ ना कुछ तो मतलब उगलवा लिया, जिससे लेस्टर को पता चल गया कि ये ना एक आइलैंड में रहते हैं। और भाई वहां पे ना मतलब पूरा गैंग ही गैंग भरा पड़ा है। और भाई ये ना बिग माफिया के भाई के लिए ही काम करता था, और भाई उसके कहने पर ही इसे रेस्क्यू करने के लिए आया था। तो चलो गाइस यार अभी ना लेस्टर बोल रहे हैं कि हमें उस वाले आइलैंड में जाकर के चेक करना चाहिए कि वहां पर भाई कैसा कैसा गैंगस्टर रहते हैं। और भाई वहां ना सही टाइम पर देख करके ना वहां पे हमें अटैक करना चाहिए मिलिट्री कैनल के साथ मिलकर के, वरना भाई साहब वो लोग ना कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हमारे फैमिली को भी किडनैप कर सकते हैं और भाई पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो चलो गाइस यहां पे ना एक प्यारा सा जंप मारते हैं और पैराशूट ओपन। अरे भाई 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 क्या हो गया। चलो कोई ना यार, भाई साहब यहाँ पे ना माइकल को तो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से लगा होगा, लेकिन पता नहीं अभी तो यार कोई बात नहीं। देख रहे भाई मतलब क्या ही उतर रहा भाई, कितना स्पीड है भाई ट्रेवर में। चलो कोई ना, अभी हम लोग फटाफट से गाइस बुगाटी में बैठते हैं और सीधा हम लोग चले जाते हैं अपने शोरूम के लिए। ओके गाइस यार अभी ना मुझे लमार का भी कॉल आया था, और मैं पता नहीं लमार क्यों कॉल किया था। तो चलो यार फटाफट से हम लोग सीधा अपने शोरूम के लिए चल रहे थे। और बाकी यार उस वाले पूरे मतलब और वो वाला आइलैंड जिसके बारे में लेस्टर पता करेगा पूरी तरह से, वहां का ना मैप वगैरह सब कुछ निकालेगा। और भाई मिलिट्री कैनल को इन्फॉर्म करने के बाद हम लोग भाई सीधा वहां पर अटैक करने के लिए जाएंगे। पता नहीं यार वो कैसा आइलैंड है, और भाई वहां पे ना डुगन बॉस रहता है,
और भाई वहाँ पे ना जा करके ये सब कुछ करना तो यार बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो सबसे पहले गाइस हमें वहाँ पे वेस्ट बदल कर जाना पड़ेगा ताकि गाइस हम लोग ना वहाँ पे एक्सप्लोर कर सके कि वहाँ पे यार कैसी कैसी गैंग्स रहती है। खैर यार ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे, तो पर यार लेस्टर को प्लानिंग करने देते हैं, बाकी हम लोग चलते सीधा अपने शोरूम के लिए। तो गाइस यार अभी मैं अपने बुगाटी को भगाते भगाते आ चुका हूँ सीधा अपने शोरूम की तरफ। और भाई साहब क्या ही प्यारी चलती है अपनी बुगाटी, भाई चलाने में भाई अलग ही मजा आता है। लेकिन भाई साहब देख रहे हो कितना ज़्यादा स्क्रैच मैंने लगा दिया, लेकिन भाई क्या ही कर सकते, सीधा हम लोग चल लेते अपने शोरूम के लिए। बाहर यहाँ पे बैनी बाहर खड़ा है और भाई भाई आराम से यार क्या ही ब्रेक पकड़ा है। लेकिन भाई सब यहाँ पे किसकी लाल के, तो यहाँ पे लॉस्ट गैंग के बंदे लग रहे मुझे। तो गाइस यार मुझे लगता है ना कि कल के दिन हम लोगों ने इनके बंदों को मारा था ना, तो ये लोग आए थे हमसे बदला लेने के लिए, लेकिन अपने सिक्योरिटी गार्ड थे इस बार और भाई इन लोगों ने इनका ही मुंह तोड़ दिया। फिलहाल यार क्या बात, हम लोग एक बार लेमार से बात कर लेते हैं। तो गाइस यार अभी ना लमार बोला ना हमें कुछ भी करके ना लॉस्ट गैंग के जो मेन लीडर है ना उसका मुंह तोड़ना पड़ेगा, वरना भाई सब ये लोग बार बार हमारे घर पर हमारे शोरूम पर अटैक करते रहेंगे और भाई कब तक हम ऐसे यार डिफेंड करते रहेंगे। तो गाइस अभी ना लमार बोल रहे ना हमें कुछ भी करके ना इनका मुंह तोड़ना पड़ेगा। लेकिन गाइस यार लमार मुझे इसलिए कॉल किया था क्योंकि लमार को ना मतलब टेररिस्ट के पास ना इसे एक ऐसी तगड़ी कार दिखी है जिसके बारे में मुझे बता रहा था। और भाई वो वाली जो कार है ना एक बहुत ही बड़े मतलब यार बहुत ही अमीर बंदे का था, जो मतलब उस बंदे से ना टेररिस्ट लोगों ने चोरी कर लिया उस वाली कार को। तो गाइस यार अभी ना लमार बोल रहे हैं कि हम लोग टेरेस के बाद जा करके ना वो वाली कार अगर लेकर के आ जाते हैं तो गाइस यार वो वाली कार जो है ना बहुत ही ज्यादा महंगी कार है। और गाइस यार अभी ना लमार बोल रहे हैं कि अगर वो वाला कार इसके हाथ में आ जाता है तो वो वाली कार को ये पूरे $200 मिलियन में सेल कर सकता है। तो चलो गाइस यार अभी ना लमार ने मुझे पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया और भाई वो बोल रहे हैं कि टेरिस्ट मतलब वहां पे तो रहते हैं लेकिन भाई इतना ज्यादा भी नहीं है कि हम लोग उनसे मार करके वो वाला कार ना आ सके। तो यार फटाफट से ना इस वाले गाड़ी को हम लोग लेकर के चलने वाले हैं, बाकी इसके ऊपर ना वेपन लगा हुआ है जिसे लमार चलाने वाले। तो चलो गाइस फटाफट चलना यार कब तक आएंगे ये लोग। तो चलो गाइस यार अभी ना लमार और ट्रेवर आकर के सीधा इस वाली गाड़ी पर बैठ चुके हैं। तो चलो यार फटाफट से हम लोग भगाते चल लेते हैं उन लोगों के पास और भाई वहाँ पे ना आराम से जाएंगे। और भाई हमें ना देखना पड़ेगा वहाँ पे ना काफी सारे बंदे भी हो सकते हैं, लेकिन लमार बोल रहे ना वहाँ पे ज्यादा बंदे नहीं रहते हैं। यार एक बार हम लोग वहाँ पर अटैक किए थे और वहाँ से ना टैंक चोरी किए थे, तो यार वही वाला प्लेस है और भाई वहाँ पे ना चल लेते हैं हम लोग फटाफट से। तो चलो गाइस यार अभी ना मैं इस वाली गाड़ी को भगाते काफी दूर आ चुका हूँ और बस यार मुझे ना यहाँ से सीधे जाना पड़ेगा और एक कट लेना पड़ेगा राइट। तो चलो यार फटाफट से ना चल लेते हैं, बाकी यार यहाँ पे ना मुझे ना काफी ज्यादा संभल कर रहना पड़ेगा क्योंकि यार ये ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। और भाई ये देख लो यहाँ पे ट्रक जा रही है, खैर इससे कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग ना फटाफट से ना आगे की तरफ चलते हैं। और भाई ये जो जगह है ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, यहाँ से ना हम लोग फटाफट से ना इस वाले जगह पर हम लोग ना रख देते हैं अपनी गाड़ी को। तो चलो गाइस यार अभी ना मैं ना ऊपर की तरफ जाने वाला हूँ और गाइस ऊपर ना मुझे कोई बंदा नजर आया है तो मैं ना उसका सबसे पहले मुंह तोड़ने का सोच रहा हूँ। यार इस वाले सीढ़ी से ना ऊपर चलते हैं फटाफट से हम लोग। तो गाइस यार अभी ना मुझे लगता है ना ये लोग ना हमें आते हुए देख लिया था, इसीलिए भाई साहब ये लोग ना पूरी तरह से भाई अपना वेपन वगैरह निकाल लिया और भाई देख रहे हो निकल यहाँ से पहले फूल सकते हो भाई साहब क्या ही फायर कर रहे हैं ये लोग। और भाई ये लोग ना माइकल को भी जानते हैं, इधर लास्ट टाइम ना माइकल यार इनका मुंह तोड़ा था इनके पास से टैंक लेने के लिए। यार यहाँ पे ना अपना M249 निकालते हैं और भाई साहब यहाँ पे ना यार क्या ही बंदा है, निकल यहाँ से भाई, यहाँ पे माइकल के पास M249 है और भाई क्या ही बंदा आ रहा है। तो चलो गाइस यार अभी ना यहाँ पे मुझे पीछे की साइड से एक बंदा आ रहा है और भाई यहाँ पे ना लमार बोला था काफी कम बंदे, लेकिन भाई साहब हर जगह से बंदे आ रहे हैं, भाई क्या ही करूं मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बाकी यहाँ पे एक बंदा है निकल यहाँ से और भाई ये वाली करना काफी तगड़ी चल रही है भाई। तो चलो यहाँ पे ना एक बंदा और मुझे मिला है और भाई ये लोग ना साथ से ना ट्रेवर को मारने में लगे पड़े, लेकिन मैं इनका यहाँ से मुंह तोड़ा, भाई साहब निकल यहाँ से, भाई मेरे पास इतनी तगड़ी वेपन है, भाई साहब सामने से मार रहे हैं। यार मुझे ना पीछे के साइड कोई बंदा नजर आ रहा है, मतलब कोई तो फायर किया। तो यहाँ से गाइस मेरे पास ना एक अच्छा सा स्नाइपर है, ओके तो यहाँ पे जैसे ही हेड दिखाएगा मैं सब पट से हेड से दूंगा, निकल यहाँ से पहले फुर्सत में, यार क्या ही तगड़ा मारा था मैंने इसे। तो चलो गाइस यार अभी ना थोड़ा सा ना आगे चलते हैं और भाई साहब ट्रेवर किधर चला गया, मुझे तो ट्रेवर नजर नहीं आ रहा। ओके तो यहाँ पे भाई ट्रेवर खुले में लड़ रहा है, भाई क्या ही बंदा है। तो चलो यार यहाँ पे ना एक बंदा यहाँ पे है, कभी ये गया निकल यहाँ से तू भी, और कब से यार कवर लेके मार रहा, निकल यहाँ से तू भी। तो चलो गाइस यार अभी ना यहाँ पे कुछ बंदों को तो मार दिया मैंने बाहर की साइड, लेकिन भाई साहब अभी ना यहाँ पे दो तीन बंदे और है। तो गाइस यार जहाँ तक मुझे पता है ना कि इन लोगों ने उन कार मतलब उस वाले कार को ना साथ से अंदर के साइड रखे होंगे जिस कार के बारे में मैं लमार बता रहा था। और चलो यार यहाँ पे ना सबसे पहले सबको निपटाते हैं, बाकी यार एक सेकेंड मैं ना यार यहाँ पे इतना खतरनाक कार लेकर के आया हूँ, मतलब गाड़ी लेकर के आया हूँ, तो मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ और भाई इसकी गन से ना सभी कार को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करता हूँ।
तो गाइस यार अभी ना इस वाले गन को चलाते हुए मुझे पूरी ज्यादा KGF वाली फीलिंग आ रही है भाई, क्या ही बोलूं। तो चलो यार अभी ना हम लोग अंदर साइड आ चुके हैं और भाई यहाँ से ना बस मुझे सामने की तरफ तो कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन मैं सही से दिखाई नहीं दे रहा है और वहाँ पे कुछ कार खड़ी है। बाकी एक सेकंड यहाँ पे हम लोग कवर लेते हैं भाई सब, अंदर ना काफी सारे बंदे हैं और गाइस यार देख रहे हो क्या ही जबरदस्त फाइट कर रहे हैं भाई, लोगों ने गेट बंद कर दिया क्या। चलो यार अंदर आ चुका हूँ मैं और यहाँ पे फटाफट से भाई सबका मुंह तोड़ते हैं और भाई साहब मेरे पीछे भाई सब ट्रेवर लमा रहे, तो भाई मुझे ना संभल कराना पड़ेगा यार, वो लोग ना मुझे ना मारते भाई। यहाँ पे एक के थे, यहाँ पे ये बंदा कब से मरने की एक्टिंग कर रहा था, निकल लेते यहाँ से। चलो ये दोनों बंदे तो गए भाई, साइड से कौन मार रहा है यार, उनका तो ट्रेवर इनका मुंह तोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, ऊपर के साइड कोई बंदा है क्या, ओके तो यहाँ पे निकल यहाँ से गया। और भाई साहब मुझे ना ऊपर की तरफ भी देखना पड़ेगा वरना भाई साहब पता चला यार मतलब पट से हेडशॉट भाई ऊपर से माइकल को दे दिया। चलो कोई बात नहीं अभी ना। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने सारे बंदों को मार दिया लगता है, लेकिन नहीं यार आगे ना और भी बंदे हो सकते हैं। तो चलो यार जैसा कि मैं बोल रहा था ना, आगे और भी बंदे हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दो तीन बंदे नजर आ रहे हैं जो कि दौड़ते हुए अपने पास आ रहा है, लेकिन भाई साहब मेरे पास है एक ही मार भाई, यहाँ पे मैंने सभी को मैंने टपका दिया। बाकी डेस्क के लमार ने बोला था यहाँ पे सुपर कार के बारे में, लेकिन यहाँ पे रोल्स रॉयस यहाँ पे नजर आ रहे हैं मुझे भाई, अब मरा नहीं ये बंदा, निकल यहाँ से। तो गाइस यार लगता है ना ये मेरे साथ स्कैम हो गया भाई साहब, यहाँ पे रोल्स रॉयस खड़ी है भाई, वो भी गोल्ड वाली। ओ नहीं 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 यहाँ पे ना और भी कार से, और भाई साहब शायद से ना लमार इस कार के बारे में बात कर रहा था। और भाई साहब क्या ही तगड़ी कार है, और भाई देख रहे हो कौन सी ब्रांड की कार है, मुझे ये देखना पड़ेगा यार। यहाँ से ना पीछे साइड देखते हैं, ओके तो यहाँ पे लैम्बोर्गिनी लिखा हुआ है भाई साहब, ये लैम्बोर्गिनी है, ओ माई गॉड क्या ही खतरनाक लग रही है। तो चलो यार यहाँ पे ना एक बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं और भाई देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडियो बंद करते हैं और भाई एक बार ही हम लोग इसे चला कर देखते हैं भाई, साउंड तो यार कितना ही जहर है भाई, क्या ही बोलो भाई, क्या ही तारीफ करूँ इसके बारे में। तो चलो गाइस अभी ना मैं यहाँ पे टेस्ट ड्राइव ले रहा था, लेकिन पता नहीं यार कितने सारे बंदे मतलब कितने सारे टेरिस्ट यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब यार यहाँ पे ना बहुत ही गंदी हाल हो चुकी है अपनी। अब भाई मुझे लगता नहीं है कि अभी मैं यहाँ से कार चोरी करके भाग पाऊंगा। और भाई सब ये क्या अपना ये मतलब यार मिस्टर फ्यू रहा था, वो इन लोगों ने अपने ही कार को चला दिया है। कोई बात अभी ना रोल्स रॉयस बचा हुआ है और वो वाली कार बचा हुआ है लैम्बोर्गिनी, तो यार मुझे ना उस कार को बचाना पड़ेगा। बाकी तो गाइस यार यहाँ पे ना M249 से मैं इतना इतना खतरनाक तरीके से इनका बैंड बजा रहा हूँ ना, ये भाई साहब यार कितना खतरनाक तरीके से भाई उड़ उड़ के गिर रहे हैं। बाकी निकल यहाँ से तू भी, ओके तो यहाँ पे कवर लेना पड़ेगा भाई साहब, काफी ज्यादा ही में पड़ चुका है माइकल को, और यहाँ पे अपना आर्मर भी लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो मुझे ना अब कवर ले लेकर अच्छे से फाइट करना पड़ेगा। बाकी भाई साहब लमार किधर चला गया, तो यहाँ पे निकल तू भी, और भाई तू भी साहब निकल, ओ भाई किधर से मार रहा है, अरे भाई साहब सर सर इधर से क्या कर रहे हो। चलो यहाँ पे ये तो गया भाई, मुझे ना कवर लेना पड़ेगा, रोल्स रॉयस के पीछे छुपते हैं, तो यहाँ पे एक बंदा है निकल, ओके तो बच गया यार आराम से भाई, यार रोल्स रॉयस को मत मार यार, गोल्ड है भाई काफी महंगी कार है। चलो यार ये तो गया, बाकी ना इस साइड एक बंदा है, निकल तू भी बेटे पहले फुर्सत में। और भाई साहब कितने सारे बंदे आने लगे भाई, क्या ही बोलूं। तो गाइस यार अभी ना मुझे लगता है सारे बंदों को मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, और भाई साहब अभी ना एक यार बहुत ही खतरनाक सीन हो गया कि यार इनके पास ना एक ये वाला कार था, एक रोल्स रॉयस था और एक मिस्टर फ्यूरा आया था, तो मिस्टर फ्यूरा तो यार फाइट करते करते यार ब्लास्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं अभी ना भाई साहब किधर जा रहा भाई, पीछे की तरफ हूँ मैं। चलो यार हम लोग ना इसे कार को लेकर के चलते हैं, और गाइस यार अभी ना मैंने डिसाइड किया ना कि इस वाले कार को हम लोग ट्रेवर को गिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये ना बहुत ही ज्यादा तगड़ी कार है। और भाई रोल्स रॉयस देख रहे ना क्या ही जबरदस्त चल रही है, यहाँ पे लमार और ट्रेवर भाई साहब बैठा हुआ है। तो चलो यार हम लोग ना सीधा चले थे इस वाली कार को, भगाते हम लोग अपने शोरूम। और भाई साहब एक सेकंड, यहाँ से ऊपर की साइड से कोई फायर कर रहा है भाई, आराम से यार अपनी इस महंगी कार को भाई कुछ होना नहीं चाहिए। और भाई साहब यहाँ पे निकल यहाँ से, और भाई साहब क्या ही मारा मैंने। तो गाइस यार सांस ना ये लोग ऊपर के साइड चढ़ करके ना हमारे पे निशान लगा कर बैठे थे, लेकिन यार यहाँ पे तो मुझे RPG मारना पड़ेगा, नहीं क्योंकि यार ये लोग ना लग नहीं रहे यार, निकल यहाँ से। और भाई साहब अभी ना इनको यार बहुत ही खतरनाक पड़ा है। तो गाइस यार अभी ना मुझे आगे की तरफ जा करके देखना चाहिए या फिर मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। खैर गाइस यार मुझे लगता है ना यहाँ पे बाकी जो बंदे बचे थे ना साथ से यहाँ से भाग चुके हैं, यहाँ पे ना माइकल के नाम से ना भाई लोग इनका ना फटता है। तो चलो यार यहाँ पे लमार बोल रहे ना कि हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए, वरना भाई और भी बंदे आ गए ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो चलो यार लमार बोल रहा है तो हमें जाना चाहिए भाई। बाकी यार अभी ना इससे ना फटाफट से बैठते हैं इस वाले लैम्बोर्गिनी में। बाकी यार लैम्बोर्गिनी का ये जो मॉडल है ना भाई, ऐसा कार मैंने इससे पहले नहीं देखा था, क्योंकि ये वाला ना कतई जहर है भाई, क्या ही खतरनाक है। और इसका लुक भाई देख रहे हो कैसा खतरनाक है भाई, ट्रेवर के ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक कार हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेवर को ना ऐसी कार बहुत ज्यादा पसंद है भाई, देख रहे हो कैसी खतरनाक हैंडलिंग है, और मैं ब्रेक तो भाई क्या ही जबरदस्त है। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से ना, बाकी एक सेकंड लमार भाई सब ट्रेवर भाई सब आ रहा है कि नहीं, तो चलो यहाँ पे पीछे आ रहा है। तो चलो गाइस अभी हम लोग बढ़ाते हैं, चल लेते हैं।
तो गाइस यार अभी ना मैं इस वाले कार को भगाते भगाते सीधा पहुंचने वाला हूँ अपने शोरूम पर। और भाई साहब देख रहे हो यहाँ पे ना क्या ही जबरदस्त चलती है, और भाई इसकी साउंड ना मुझे काफी सही लगी। और भाई ये वाला कार आप पहली बार देख रहे हो तो फटाफट से जाकर के वीडियो को लाइक कर देना, और भाई साहब ये वाली कार आपको कैसे लगी फटाफट से कमेंट में कर देना। तो चलो यार ये वाली कार हम लोग देने वाले हैं सीधा ट्रेवर को, और भाई ट्रेवर को देने वाला नहीं है, जैसे यहाँ पे आने वाला है रोल्स रॉयस में अपना ट्रेवर, और भाई उससे हम लोग सरप्राइज गिफ्ट कर देंगे इस वाली कार को। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर गाइस आज का आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट जाकर के ना वीडियो को पूरे 5000 लाइक कंप्लीट कर देना। और गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।